हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंडारा में बाइक धीमी चलाने के कहने पर बड़ा विवाद। हथियारों से लैस होकर घर में घुस किया हमला, गिलौल से सिर फोड़ा। घटना में 4 जन हुए घायल। गुरुवार शाम को फिल्मी अंदाज में बावरी जाति के लोगों ने गिलौलों, लाठियों, पत्थरों, हथियारों से लैस होकर एक परिवार पर हमला बोल दिया, जिसे परिवार मुखिया, पत्नी, नाबालिग पुत्र व भाई सहित 4 सदस्य चोटिल हो गए। प्राप्त जानकारी अनुसार पकाराम बावरी प्रतापगढ़ बावरियों का झूपा हाल निवासी मुंडारा रानी रोड आशापुरा माता मंदिर सामने निवास करते हैं। पकाराम का पुत्र मेघवाल मोहल्ले से तेज गति व लापरवाही पूर्वक बाइक चला रहा था। शांतिलाल पुत्र रताराम आदि ने बाइक धीमी गति से चलाने को कहा। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया। पकाराम बावरी पत्नी, पुत्री जवाई, पुत्र रावा राम, धन्ना राम आदि ने घर में घुसकर शांतिलाल मोबारसा 40 वर्ष, पत्नी लक्ष्मी, नाबालिग पुत्र कुलदीप 5 वर्ष व भाई मोहनलाल 55 वर्ष के साथ फिल्मी अंदाज में प्राण घातक हमला बोल दिया व गिलौल से सिर फोड़ दिया। लाठियों व हथियारों से मारपीट की, पत्थर फेंके जो पड़ोस के आवास या मकानों में भी गिरे। घर के मुख्य दरवाजे को पत्थर फेंक कर क्षतिग्रस्त कर दिया। अचानक हमला होने से मोहल्ले वासी कुछ समझ नहीं पाए। मोहल्ले वासियों बचाव करने को आए तो बावरी जाति के लोग बाइक वाहन लेकर भाग गए। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही ग्राम वासियों, जनप्रतिनिधियों आदि का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने सादरी पुलिस को घटना से अवगत कराया। मौके पर सादरी उप निरीक्षक सुरजा राम जाखड़मय जाप्ता पहुंचे व घायलों को सादरी अस्पताल पहुंचाकर व उपचार करवाया। मौके पर ग्रामीणों ने विरोध कर बताया कि बावरी जाति के कुछ लोग आए दिन ग्राम में विवाद कर झगड़ा करते हैं, साथ ही मुंडारा के कृषि क्षेत्र के बेरों पर मोर व अन्य पक्षियों का शिकार कर मांस बेचते हैं, साथ ही असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मुंडारा गांव के 36 वर्ण की बैठक का सामूहिक आयोजन कर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा। ग्रामीणों ने बताया कि इन लोगों से गांव की महिलाएं भी भयभीत हैं। अकेले महिला व अन्य लोग खेतों में जाने से भी डरते हैं। इस संबंध में शांतिलाल मोबारसा ने सादरी पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है, मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने ग्रामीण वासियों को आश्वस्त किया है कि असामाजिक तत्वों से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। जागरूक टीवी के लिए सादरी से खेताराम चौधरी की रिपोर्ट।